दोस्तों आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। मैच द आइटम इन द कॉलम 1 विद द आइटम इन द कॉलम 2। तो हमें यहाँ 35 है। अब मुझे 35 देखना है, ये क्या मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, या मल्टीपल ऑफ 70 है, या फैक्टर ऑफ 30 है, या फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो 35 क्या है, ये 35 क्या है, फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है। 7 वन जो 7, 7 टू जो 14, 7 थ्री जो 21, 7 फोर जो 28 और 7 फाइव जो 35। तो इस मीन्स ये किसका मल्टीपल है, 7 का है। अब 15 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 70 है, फैक्टर ऑफ 30 है, फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो 15 किसके टेबल में आता है, हमें ये चेक करना कि 15 किसका है। तो 15 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 30 होगा। भाई 30 के टेबल में आता है, 15 के नहीं आता, ठीक है। तो ये किसका फैक्टर है, ठीक है। अब 16 मल्टीपल ऑफ 8 है, फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 के मल्टीप्लाई में 16 आता है, 8 टू जो 16 होता है, ठीक है। 20 द फैक्टर ऑफ 20, ठीक है, 21 जो 20, ठीक है। और 25 इज द फैक्टर ऑफ 50, तो ये 50 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपली हमें फैक्टर और मल्टीपल देखने से, फैक्टर का मतलब उसके टेबल में आता है या नहीं आता है, और मल्टीपल में मल्टीपल है उसका। तो थैंक यू।